पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 5 दबंग युवकों ने कोचिंग को जा रही 11वीं की एक छात्रा का तमंचे के बल पर रास्ते से अपहरण कर कार में शराब पिलाई और एक मकान में ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। होश आने पर पीड़ित छात्रा किसी तरह घर पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक सभी आरोपी फरार हैं। मामला कटघर थाना इलाके का है, जहां 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया और अपने 4 साथियों के साथ कार में डालकर उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। रात भर उसके साथ गैंगरेप किया। होश आने पर छात्रा किसी तरह घर पहुंची और परिवार वालों को पूरी घटना बताई। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मैं कोचिंग गई थी 3 बजे, 3 बजे के बाद मुझे 4 बजे कोचिंग छूटता। उसके बाद मैं मम्मा से कह के गई थी कि मैं गुलाबाड़ी जर्सी लेने जाऊंगी, तो मम्मी ने कहा ठीक है। फिर मुझे रचित मिला, मतलब रचित ने आवाज दी, भाई कहती हूँ मैं इसे, इन्होंने कहा नहीं तो सुनो। मैंने कहा क्या हुआ भैया, तो इसने कहा कि एक मिनट सुनो, मैं सबके सामने नहीं कह सकता। तो इसने मुझे तमंचा दिखाया और मतलब बाइक पर बिठाया, और आगे एक लड़का था बाइक से जो ढाटा बांधा हुआ था, मोटा था और लंबा था और ब्लैक टी शर्ट डाल रखी, जैकेट डाल रखी थी। तो वहाँ से निकलने के बाद पुल पे एक कार खड़ी थी, वहाँ पर ज़बरदस्ती मुझे उसमें बिठाया गया, फिर मुझे ड्रिंक कराई गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। फिर नाइट में मुझे होश आया करीब 8-9 बजे, तो ये लोग बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। अच्छा, कितने लोग थे वो? 5 लोग थे। क्या क्या नाम थे जानती हैं? नाम शायद अरविंद है एक का, शिवांक है, रचित शर्मा है, और रचित शर्मा मोनू शर्मा और कोशिंदर। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग कमला विहार में रहते हैं। आप कहाँ रहती हैं? हम भी वहीं रहते हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं आपके? हाँ। तो वो गंदी निगाह रखते थे आप पे? नहीं, रचित रखता था हमेशा। जब मैं कोचिंग आती थी तो मुझे टॉर्चर करता था, परेशान करता था कि मैं तुझसे शादी करूँगा, और मैंने मना करा तो उसने ज़बरदस्ती जिद की कि मैं तुझे मार दूंगा या मर जाऊँगा। अच्छा, कहाँ लेके गए थे आपको ये लोग? मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेके गए थे। अच्छा, आपको जब होश आया रात को 12 बजे, तो आपने कहाँ पाया अपने आपको? मैंने कमरे में पाया, मुझे नहीं पता। ऊपर कमरा था, मतलब नीचे कुछ अजीब सा था, ऊपर कमरा था मिट्टी का वहाँ पर। अच्छा, कैसे निकली वहाँ से आप? मैं भाग के निकली, जब मेरे भैया की आवाज़ आई तो मेरे मुंह पर टैप लगा हुआ था और हाथ पैर खुल रहे थे, लेकिन मैं बेहोश थी उस टाइम। बेहोश थी? तो अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये लोग, जैसी भैया की आवाज़ आई, मैंने हल्के मतलब होश में आए आती, फिर इसने मतलब ये लोग तो भाग गए, फिर मैं भी इधर को भागी, ये लोग इधर भागे थे मैं इधर भागी। उसके बाद में इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इसने मुझे बाइक पर बिठाया। ही डर गए थे कि आप लोग, आप सबको सकोग गया इस चक्कर में। मुझे इसने गुलाबाड़ी मतलब गंगा के पार जो गुलाबाड़ी चुंगी है उसकी इस साइड में छोड़ दिया। फिर मैं डरती डरती आई, घर पहुंची और फिर मैं बेहोश हो गई। पहचान कैसे करी आपने? पहचान ये मुझे पता नहीं। अच्छा। मैं जानती थी, इन्हें खुद मेरे ऊपर लिपटे हुए थे, बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ बस, मेरे साथ जो हुआ है, या फिर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, या फिर मुझे मार डालो कोई। अच्छा, कब से कब तक इन्होंने आपको बंधक बना के रखा था? करीब 4:30 बजे से नाइट में 3-4 बजे। नाइट में 3-4 बजे? फिर उसके बाद मैं खूब भागी, 2-3 किलोमीटर दौड़ी भी थी, उसके बाद मैं घर पर पहुंची। अच्छा, वहाँ जहाँ कमरे से आप दौड़ी थी वहाँ आसपास क्या था? खंडर टाइप, मतलब गांव टाइप का था बस, और पेड़ वगैरह भी थे काफ़ी सारे। अच्छा, आपने अपने घर आके अपने मम्मी पापा को क्या बताया? मैंने कहा मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मैं मना कर, मैं जाती थी कोचिंग, ये भैया को मारने की, पूरी फैमिली को मारने की धमकी देते थे, इसलिए मुझे, मैं शांत रहती थी, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, बस इसीलिए। अच्छा। मेरी पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी गई है। तो आप थाने पहुंची हैं,
तो थाने से क्या चाहती हैं? थाने से ये चाहते हैं बस इंसाफ मिले और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। थाना खड़गड़ क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जो 11th क्लास में पढ़ती है, उसने थाने पर तहरीर दी है कि कल वह जब ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो उसका एक परिचित मित्र उसको मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और उसने अपने दोस्तों के साथ उसे गाड़ी में डालकर और उसे शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया। इस संबंध में थाने पर FIR पंजीकृत हो गई है, विवेचना की जा रही है, शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा।